सॉन्ग है एंड ट्रेंडिंग सॉन्ग में जो आपने स्वैग दिखाया है, बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे सवाल के अंदर। तो सबसे पहले ये बताइए कि बहुत ही पसंद आ रहा है आपका ये गाना लोगों को, तो कैसे देखती है ज़ारा जी एंड बैक टू बैक आपके सारे गाने बहुत ही हिट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, इतना लवली इंट्रोडक्शन और आपके क्वेश्चंस के बीच में इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द फैक्ट दैट कि एक बहुत ही क्यूट सा वेडिंग सॉन्ग है, करेक्ट टाइम पे रिलीज़ भी हुआ है बिकॉज अभी वेडिंग सीजन है एंड दैट वॉज द होल थॉट बिहाइंड इट। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव कम आउट विद सो फार, तो इट्स वेरी अमेजिंग, आई एम वेरी हैप्पी। एंड जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही स्वैग है इस गाने में, डिफरेंट जी सूज भी है, यस ये सब किसका आइडिया था कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं इस गाने में? मेरे साथ कोई है नहीं मेरी तारीफ करने के लिए या बोलने के लिए, इसने क्या, मैंने खुद ही ये सब सोचा, क्योंकि मैंने जब पहले गाना सुना था तनिष ने गिटार पे, आई थिंक उस वक्त रफ था, ऐसे ही जस्ट कॉम्पोजिशन सुनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई सेड ओ माय गॉड दिस इज़ सच अ क्यूट सॉन्ग एंड लिरिक्स भी इतने ही प्यारे थे कि बिल्कुल मेरे दिल को छू गया एंड आई थिंक every girl would feel like that because it is a song which I think would be special to every bride, every girl who's in love, so that was the idea behind it. So jab gana ban gaya fir maine headphones laga ke bahut baar suna and I started writing you know the screenplay of it and it just came to me very naturally. I think isliye also because मैंने अपने आप को माइंड में रखते हुए मेरी फीलिंग्स और मैं कैसे एक आई थिंक ऐसी सिचुएशन को सेलिब्रेट करूँगी वो बहुत डीपली आई पुट थॉट इनटू दैट एंड माय होल आइडिया वाज दैट यू शुड सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस इन योर वे जैसे आप चाहते हैं, तो दैट वाज द आइडिया एंड थॉट बिहाइंड इट एंड द फैक्ट दैट यू शुड हैव पीपल अराउंड यू who love you, who support you and who believe in you and who let you be as you are. So that is what Shaheer's character is also. So I think overall it's got a beautiful message and a lot of feel and a lot of thought and emotion into it and we've tried to just show empowerment towards women and celebration in a very light-hearted way. So yeah. So ye gaana सभी को बहुत पसंद आ रहा है, आपकी मॉम ने जब ये गाना देखा जी कि उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा आपके साथ में, मैंने देखा। वेल इस गाने की एक स्पेशल बात ये है कि ये मम्मी के बर्थडे पे रिलीज हुआ था, 29th of October उनका जन्मदिन होता है, तो उस दिन ये गाना रिलीज़ हुआ, तो यस वो मेरे साथ सॉन्ग लॉन्च के लिए भी आई थी एंड मेरे लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि उनका बर्थडे है एंड इस गाने पे मैंने बहुत कहते हैं ना जी जान लगा के काम किया है एंड पूरा जो उसके विजुअल्स हैं और जो आप लुक जैसे बोल रहे हैं, द शूज़ स्वैग है, द ग्लासेस, शी कमिंग ऑन अ घोड़ी, वो सब चीज़ों में बहुत थॉट प्रोसेस एंड कहते हैं ना पुटिंग योर हार्ट एंड सोल, वो सब बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, तो इट वाज ओवरऑल वेरी स्पेशल फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ारा जी अपनी शादी में क्या कुछ रूल्स ब्रेक करने वाली हैं, इस तरह के स्वैग आने वाले हैं? वेल ऑफकोर्स करना तो मैं चाहती हूँ बट मुझे आई होप ऐसा दूल्हा मिले जो ये सब चीज़ों को हजम भी कर पाए, बट जब आई थिंक ऐसा कोई मिलेगा तो 100% आई विल गो ऑल आउट, आई विल मेक श्योर मैं भी घोड़ी पे आऊँ, वो भी घोड़ी पे आए एंड वी सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल मोमेंट इन आर ओन वे। यस यस लड़का लड़की नहीं मिलते बिल्कुल, बट आई थिंक इसमें यू नो आइडिया ये था कि एट द एंड ऑफ द डे आपका सेलिब्रेशन है, आपकी खुशी है, आपको जैसे मन करता है वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर आपको बहुत ही ट्रेडिशनल वे में करना है और वो आपके मन को खुशी देती है तो आपको वैसे करना चाहिए, अगर आपकी कोई अलग थॉट प्रोसेस है जो आपको खुशी देती है आप वैसे कीजिए, तो दैट वॉज द होल आइडिया बिहाइंड इट कि यू नो लड़कियों को सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम हर ग्रूम, फ्रॉम द बॉय शी लव्स, हर लाइफ पार्टनर
एंड एट द सेम टाइम उनको वो करना चाहिए विच दे फील मोस्ट हैप्पी अबाउट. तो मैं तो डेफिनेटली मिलूंगी अपने ग्रूम से शादी से पहले एंड दैट्स ओके. आई मीन यू नो व्हाटएवर यू फील हैप्पी अबाउट. सो मॉम से ऐसी कुछ बातें होती है कि मॉम ऐसा करना है, ऐसे ऐसे रूल्स ब्रेक करने हैं, ऐसा कुछ सरप्राइज करना है, आप बताइए. क्योंकि मैंने सुना है यू एंड योर मॉम इज वेरी क्लोज. यस Yes, that's true. मैं अपनी मम्मी को अम्मा बुलाती हूँ बिकॉज वे फ्रॉम अमृतसर. तो एक बहुत ही पंजाबी वर्ड है. मम्मी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है. वो बहुत ही फनी हैं, फ्रेंडली हैं. मोर देन अ मदर शी इज़ बिन लाइक अ फ्रेंड टू मी. एंड जब भी कुछ आइडिया होता है, कुछ एनीथिंग क्रिएटिव विच आई एम इन्वॉल्व इन, तो मैं हमेशा उनको बताती हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ. तो वो भी मुझे अपने आइडियाज़ देती हैं, तुम ये कर सकते हो ऐसे कर सकते हो. तो शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो हर गाइडेंस इज देयर एंड एट द सेम टाइम यू नो शी इज़ लाइक अ फ्रेंड. बहुत मज़ा आया था. आई थिंक टिल डेट अभी तक तो शहीर हैज़ बिन द बेस्ट को स्टार. ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन. वो इतने स्वीट हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं एंड इतने हम्बल हैं कि इट वॉज़ वंडरफुल टू वर्क विद हिम. आई मीन यू नो समबडी हु जस्ट मेक्स यू फील सो कम्फर्टेबल एंड ऑल्सो उन्होंने अपना इतना अच्छे से होमवर्क किया था. जब उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सुना था तो ही वॉज वेरी मच द कैरेक्टर. यू नो द बॉय इज़ वेरी ऑपोजिट टू व्हाट द गर्ल इज़ लाइक. बट एट द सेम टाइम थ्रू आउट द वीडियो आप ये देखेंगे कि ही इज़ दो शी इज़ इरिटेटिंग है, उसको तंग कर रही है, परेशान कर रही है. बट दैट लव इन हिज आईज एंड द फैक्ट दैट ही इज़ सपोर्टिव टूवर्ड्स हर, वो थ्रू आउट उन्होंने इतने अच्छे से निभाया था. That as an actor also he was wonderful to work with and as a human being also I think he's a great person. यस गाना बंद करना भाई, कॉपी राइट आएगा. हाँ जब भी बोलो. कंग्रेचुलेशंस आरा एंड पांच स्पेशली फॉर योर सॉन्ग सबकी बाराती व्हिच इज क्रॉस लाइक 150 मिलियन. वो भी एक आइकॉनिक सॉन्ग था, ये भी एक आइकॉनिक सॉन्ग है. व्हाट डू यू हैव टू से? जी एक्चुअली जैसे कि आपने सही कहा कि वो भी आइकॉनिक सॉन्ग है और ये भी आइकॉनिक सॉन्ग है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है. एंड
इनफैक्ट हमने कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट तो किया था कि वो गाना अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी तरीके से उसको कंपोज भी किया था और विजुलाइजेशन उसका बहुत अच्छा था. एंड अगेन वेडिंग सीजन तो हमेशा हमारे यहाँ पर तो होता ही है, सो इट वॉज गुड. बट नाउ वॉट मैटर्स इज के हनीमून पे क्या होता, बिकॉज इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग दिस सॉन्ग, एंड इट्स ऑब्वियसली इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग शॉट बाय काजोल एंड सैफ अली खान. सो या एंड वी've डन गुड, आई थिंक वी जस्टिफाइड द सॉन्ग. We tried. That people will decide. Yeah, we're really excited now, and today being the release of the song, and we're getting to know that it's our previous song has reached 150 million, so it's a good achievement, and we thank everyone for that. Thank you from the bottom of our hearts. Yes. Last song was actually both songs were very close to my heart from my childhood actually, and of course last song it was about marriages, and I was so sure about it that people will love to dance in marriages like I said last time. And yeah, of course I am seeing so many videos of people uploading every day they are enjoying Sabki Baraat Aayi, and it's like a it's a very good feeling that whatever hard work we have put there and people are actually enjoying that track, that's a great feeling. And I really want that the same love people will give to this song, because we tried our level best to put the same effort here. So yeah, and also, you know, whenever we remake any song, it's like we give that value to that old song. That's why we recreate the song, so that people can recall that old value of that song and again, you know, enjoy it with our new trends, and so that we can connect with our new generations. That's all. कितनी responsibility लगती है आप दोनों को? I mean obviously iconic songs रहे हैं जैसे आपने कहा सैफ एंड काजोल, and you know if there's always a sense of comparison which is there. Thank you. कैसा नहीं, टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट हाउ यू फील राइट नाउ. म्यूजिक इज समथिंग दैट आई फील इट ट्रैवल्स ऑल ओवर द ग्लोब इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लैंग्वेज इट इज, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज के वी कैन एंजॉय इट इन आर कार्स ड्यूरिंग आर जर्नीज इवन वाइल वर्किंग, सो देर इज नो जजमेंट एज पर आई फील. And when it comes to films or work or acting, but over here it's just a feel good song, and thankfully we've done something which is a feel good number, be it Sabki Baraat or be it this one. It's a nice romantic, this happy romantic song, and yeah, and responsibility to matlab yahi hai ki ab meri maa hi bol rahi hai ki sabki to aa gayi baraat tumhari kab aayegi, to bas wahi responsibility hame bas abhi puri karni hai, jald se jald dekhte hain. So I feel I don't want to compare that old one with the new one, because old one is really nice and romantic and slow. So whenever you feel like that slow vibe, you can enjoy that one. That is untouchable, and Lata ji has sung it, and she's obviously legendary. We can't touch her and compare with her things. But this one, we just tried, you know, to make it more groovy and dancing kind of like, so that people can enjoy it on clubs and anywhere, you know, that way. And of course, homecoming to Tips is like, the team is so cooperative always, and they are so supportive, and they believe our like talents and vision, and they, of course, support us that way a lot, that we feel like giving more from our side. इसके अलावा सोशल मीडिया से किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे थे? गाने के आने से पहले एक आपने तस्वीर अपलोड की थी सर की, उसमें ही पता चल गया था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है. कुछ बताना चाहोगे कि आई नो थोड़े घंटे हुए गाने को आके, पर इस दौरान व्हाइल कमिंग फॉर दिस इंटरव्यूज सोशल मीडिया से क्या कुछ मैसेज आए, आपके कोई मित्र ने कुछ मैसेज किया? यही कहा है कि अरे यू गाइज आर बैक एंड इट्स गोना बी अनदर ब्लॉकबस्टर एंड इट लुक्स वेरी हॉट एंड इट वाज द सॉन्ग व्हिच वी हैव हर्ड इन आवर चाइल्डहुड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. तो यही ब्लेसिंग्स थी,
and they feel that with every song that we do, with every project that we do, we are growing. So the friends and families are proud of us. And about the song, इसके पहले भी जो song आया उसको काफी ज़्यादा प्यार मिला. And ये song की मैं बात करूँ, ये song already iconic था, तो कितना pressure था आपके ऊपर, पार्ट आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि whatever you do ना, you do with the 100%. I have seen. यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील प्रेशराइज बिकॉज आई थिंक आई एम यूज टू इट. हालांकि मैंने शुरुआत में मैंने इनफैक्ट इवन इन टेलीविजन आई डिड कसौटी एंड दैट वॉज अ बिग बर्डन बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर देयर कमिंग आउट ऑफ एन आइकॉनिक शो. तो आई गेस आई एम यूज टू इट बट वॉट आई डू इज आई ब्रिंग माई ओन चार्म टू इट एंड इट्स टूडेज जनरेशन सो वॉट हाउ वी कैन जस्टिफाई मेकिंग द सॉन्ग इन द बेस्ट पॉसिबल वे वेयर even the young generation can connect to the song. So that is our whole motive. And apart from that, like I said, कि हमने कोशिश की, हमने ऐसा नहीं किया कि गाने को पेस, गाने की पेस को स्लो कर दिया या ऐसे कुछ. We made it very pacey so that it becomes a nice groovy number. So that Zara can dance more and more. दो सॉन्ग में तो काफी सारी memories collect हो जाती है. कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा BTS moment जो आप share करना चाहोगे, जो दोनों गाने में आपने feel किया हो Zara के साथ, starting with you and then with you. हाँ, मैंने तो फील किया कि वो कुछ खाती नहीं है बेचारी, और इतनी पतली हो जाती है दैट एवरी टाइम आई सी ऑन द सेटिंग लाइक ज़ारा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आई यू लुकिंग सिक, यू लॉस्ट टू मच ऑफ वेट एंड शी स्ट्रेस्ड. सो दिस इज द सिमिलैरिटी दैट आई फाउंड विद हर ऑन बोथ द सॉन्ग्स दैट शी स्ट्रेस्ड. क्या करें, इतना नाचना पड़ता है, इतना प्रैक्टिस करना yeah. पड़ता है, तो फिर एंड थैंकफुली मुझे बस आके जैसे खाने की बात की हाँ. मैंने देखा सॉन्ग के स्टार्टिंग में तीन शॉट्स आपने हमारे, वाज इट अ रियल शॉट्स और इट वाज अ फेक शॉट? ऑफ कोर्स इट वाज अ फेक. नहीं नहीं नहीं, शी इज अ वेरी मेथड एक्टर सो शी डिड दैट. यू वांटेड टू से दैट आई ड्रंक? नो, आई वाज नॉट ड्रंक. उसके बाद वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो वैनिटी में देयर आर अदर स्टोरीज दैट आई विल टेल यू सेपरेटली. ओके, would you like to say something about it? Well, no comments, but yeah. It was very bad apple juice. I had to take not three. Okay. Apple martini. Retakes me, I had to take almost 25 glasses See, of it. What? And my stomach were like almost, I was about to puke, but I controlled somehow. And I was just drinking. Dedication. Is it real? Of course. Mm-hmm. Because you have to like take Yes. In retakes, you have to take too many times, and I had to. But retake kyun ho raha tha? I thought you were professional drinking. Angles. Kitne take liye? Shot ko. Because it was like from different angles, so we yes. had to take it, and it was like 4 or 5 takes. It was there, and I had to drink like almost 20 shots. So basically, one, two, three. Happy chal gayi. And इसके अलावा कोई ऐसा moment path के जैसे उन्होंने कहा आप method acting के लिए काफी काफी method acting करते हो, कोई ऐसी तारीफ? ये मुझे फंसा रहा है. कुछ आपकी कोई ऐसा moment? Memory. BTS memory. I mean second part जिसपे red and white वाला portion है. हाँ. Yeah. वहाँ पे एक घोड़ा था, आई मीन हॉर्स था, ये हर 2 मिनट में जाके उसके साथ ही लगा रहता था ऑल द टाइम. तो आई मोर क्लोज टू दैट हॉर्स, सो दैट वाज समथिंग फनी. एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया और मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PI मोहरे सर के पास लेकर गई, जहाँ जाकर मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से निवेदन किया कि तत्काल पुलिस कार्रवाई शुरू हो मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ. उसके अगले दिन हमने देखा कि राखी सावंत, मोटर माउथ पॉटी माउथ राखी सावंत, मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया. उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, इसलिए पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया. उसकी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है. जैसे कि मैंने पहले कहा, 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास
PSI मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सबको कुछ देर में दिखाऊंगी। हमने देखा है कि जब जब यौन शोषण का विरोध कोई करता है, खासतौर पर बॉलीवुड में, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े तुरंत खड़े हो जाते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है? ये लोग यौन शोषण का विरोध न करके, यौन शोषण करने वालों का विरोध न करके, यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध क्यों करते हैं? क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समझने वाली बात यह है कि राखी सावंत और उसके जैसे लोग इस इंडस्ट्री में और इस जिंदगी में इतनी बार यूज और अब्यूज हुए हैं कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उन्हें कसूरवार वो महिला लगती है या वो बच्ची लगती है जिसका यौन शोषण या बलात्कार होता है। उन्हें कसूरवार यौन शोषण करने वाला या बलात्कार करने वाला बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। यहाँ पर हम इनकी मानसिकता पर रोशनी डालकर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। क्यों ये लोग यौन शोषण का विरोध नहीं करते हैं? क्यों? दिक्कत क्या है? क्या कोई मजबूरी है? क्या कोई प्रेशर है? क्या इन्हें लगता है कि किसी खान को खुश रखने के लिए इन्हें ड्रग कल्चर को, रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए? क्या इस तरह का दबाव है इन पर? ये मेरी समझ के बाहर है। जब जब मैंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो पिछले साल क्यों ना हो राजकुंद्रा के खिलाफ, चाहे वो इस साल क्यों ना हो मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, हमेशा राखी सावंत जैसे लोग ज़बरदस्ती बीच में आकर यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करके ये साबित करते हैं कि यौन शोषण करना मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये लोग पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ बने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में स्वच्छ अभियान हो। हाल ही में राखी सावंत ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो शैलेन चोपड़ा को फोड़ देगी, शैलेन चोपड़ा को उल्टा लटका देगी। उसको मैं बता दूं कि हमारा संविधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजाज़त नहीं देता है, और इसके चलते मेरी लीगल टीम ने, फाल्कन लीगल ने, इन धाराओं के तहत 499 डेफामेशन, 500 पनिशमेंट फॉर डेफामेशन, 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन आईपीसी धाराओं के तहत राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जुहू पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत, पॉटी माउथ राखी सावंत। जी शैली जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि राखी सावंत पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी को अपना अपना बोलती है, वो तो उनका आदमी की आदत है जी, तो कितना आपको लगता है कि सीरियसली लेना चाहिए इस बात को, क्योंकि पहले भी सनी लियोन ने जैसी हस्ती को उन्होंने बहुत भी जी और भी हस्ती को करती रहती हैं जी, व्हाट इज द पॉइंट टू यू नो टेक इट सो सीरियसली? सही बात है। मेरे कई दोस्त शुभचिंतक मुझे
ये बोलते हैं कि शर्लिन व्हाई डू यू गेट सो अनॉयड, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली बात ये है कि ये जो कुत्ते हैं जो टॉमी इंडस्ट्री ने पाल रखे हैं, ये बड़ी होशियारी से, समझदारी से मी टू विक्टिम्स की अखंडता और विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की टिप्पणी देते हैं, जैसे अरे शर्लिन चोपड़ा तो पॉर्न स्टार है, अरे वो तो वैश्या है, अरे वो तो ये है, अरे वो तो वो है। आप सबको बता दूं कि राखी सावंत जो एक बदसात और बददिमाग औरत है, उसका मोडस ऑपरांडी है क्या लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना? ये है उसका मोडस ऑपरांडी। और क्या करती है वो जिंदगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है। ये है उसके जीने का तरीका। हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीख मंगी है, झूठ मूठ का ड्रामा करके लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, और आजकल किस खान के टुकड़ों पर पल रही है ये हम सब जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिज्म को, नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दे रही है? और हम इस गंद को कब तक बर्दाश्त करें? ये भारत देश है, ये संविधान के अनुसार चलता है, यहां पर यौन शोषण का विरोध होता है, यौन शोषण करने वालों का विरोध होता है।